नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे। पहले नजर डालिए आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं लजीज व्यंजनों का खजाना करियन कबाब नियर कालीबाड़ी चौक चंदोरी रोड गिरेडी। भाजपाइयों ने निकाला मशाल जुलूस, टावर चौक पर पंजाब सरकार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लापरवाही और चूक का लगाया आरोप। कुवाड़ के कसियोडी मोड़ के पास अपराधियों ने चार वाहनों से की लूटपाट, वाहन चालकों के साथ हुई मारपीट, एक वाहन चालक ने मुफस्सिल थाने में आवेदन देकर दर्ज करवाई शिकायत। सीसी अकाउंट खुलवाने के नाम पर एक्सिस बैंक के कर्मी ने किया फर्जीवाड़ा, भुक्तभोगी ने बैंक मैनेजर पर भी लगाया मिलीभगत का आरोप। नगीना सिंह रोड के अजित स्वर्णकार ने दर्ज करवाई शिकायत। और टावर चौक समेत विभिन्न चौक चौराहों पर चल रहा है मास्क चेकिंग अभियान, कोरोना को लेकर पुलिस कर रही है कार्रवाई, कहा लगातार चलेगा यह अभियान, गाइडलाइंस का अनुपालन नहीं करने वालों को लगेगा फाइन। और अब खबरें विस्तार से। भाजपाइयों ने गुरुवार को पंजाब सरकार के खिलाफ झंडा मैदान से मशाल जुलूस निकाला और टावर चौक पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपाइयों ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक को एक साजिश करार दिया और पंजाब के घटना पर आक्रोश व्यक्त किया। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक को एक साजिश बताते हुए भाजपाइयों ने गुरुवार को टावर चौक पर पंजाब सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इससे पहले झंडा मैदान से तमाम लोगों ने मशाल जुलूस निकाला और यहां से पैदल चलते हुए टावर चौक पहुंचे, जहां पंजाब की घटना पर आक्रोश व्यक्त किया गया। बताया गया कि पंजाब सरकार द्वारा प्रधानमंत्री की सुरक्षा में भारी चूक की गई है। प्रदर्शनकारियों द्वारा फ्लाईओवर को जाम करना और प्रधानमंत्री को 20 मिनट तक सड़क पर रोके रखना संवैधानिक पद की गरिमा का माखौल उड़ाना है। यह एक चिंता का विषय है और पंजाब सरकार की लापरवाही स्पष्ट रूप से उजागर हुई है। भाजपाई इस घटना का पुरजोर विरोध करते हैं। इस कार्यक्रम में भाजपा नेता सुभाष सिन्हा, नूनूलाल मरांडी, प्रकाश सेठ, चुन्नूकांत, हरमिंदर सिंह बग्गा, विनय सिंह, अशोक उपाध्याय, अजय रंजन सिंह, मोतीलाल उपाध्याय, दीपक स्वर्णकार, दिलीप वर्मा, एजाज अहमद सोनू, मुकेश जालान, अनिल मिश्रा, रंजीत राय, आलोक सिन्हा, छोटू खान, भाजपा नेत्री विनीता कुमारी समेत कई भाजपा नेता मौजूद थे। जैसे कल माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ जो पंजाब में हुआ, वहाँ कांग्रेस की सरकार ने सुरक्षा देने में और अपनी विफलता को दर्शाया और एक छोटी संजीव साजिश के तहत पंजाब जाने से उनको सभा स्थल जाने से उनको रोका गया और यह किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए बहुत ही जघन्य और अपराध है। माननीय प्रधानमंत्री जी पंजाब जाते तो वहाँ एक बहुत बड़ी सौगात देने का काम करते और जिसके चलते पंजाब के लोगों का विकास होता, लेकिन वहाँ की कांग्रेस की सरकार ने और वहाँ आने से रोक दिया। उनको लगा कि शायद अगर प्रधानमंत्री का दौरा पंजाब होगा तो एक फिजा बदलेगा और आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की वहाँ सरकार बनेगी। इसको लेकर एक छोटी समझी साजिश के तहत उन्होंने रोड जाम करने का काम किया और कुछ प्रदर्शनकारी को भी वहाँ इकट्ठा कर और व्यवधान उत्पन्न करने का काम किया गया। यह बहुत, मैं इसकी बहुत निंदा करता हूँ। जैसा आने वाले दिनों में अगर वहाँ के लोग सोच रहे होंगे कि उनको रोक कर हम लोगों यहाँ अपनी सरकार बनाएंगे, भ्रम में नहीं रहे, पंजाब में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का जब पंजाब प्रदेश में दौरा का क्रम हुआ तो वहाँ पंजाब की कांग्रेस सरकार ने उनके जो उसका वहाँ का प्रशासन ने सुरक्षा में काफ़ी खिलवाड़ किया है,
जो निंदनीय घोर अपराध और दंडनीय है और एक संविधानिक मर्यादा पद की जो है गरिमा को खत्म किया है, उसी के आलोक में आज भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह के तमाम साथी झारखंड में सभी लोग मशाल जुलूस के माध्यम से उसका विरोध करते हुए मांग करते हैं कि पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे, अन्यथा यह आंदोलन उग्र होगा। धन्यवाद। इधर सरिया में भी भाजपाइयों ने एक आक्रोश रैली निकाली। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में पंजाब सरकार द्वारा की गई चूक और झारखंड में हेमंत सरकार में बढ़ रहे आपराधिक मामलों के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में पंजाब सरकार द्वारा की गई चूक एवं वर्तमान में झारखंड में हेमंत सरकार में बढ़ रहे आपराधिक मामलों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी सरिया मंडल ने गुरुवार को एक आक्रोश रैली निकाली। इस रैली की अगुवाई कोडरमा के पूर्व सांसद एवं वर्तमान में हुड़का के निदेशक डॉक्टर रविंद्र कुमार राय के द्वारा किया गया। इस रैली में भाजपा के तमाम नेता और कार्यकर्ता शामिल रहे। मौके पर पंजाब सरकार के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया गया, वहीं राज्य सरकार पर भी बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर तंज कसा गया। कुवार के कसियाडीह मोड़ में हुए लूटपाट की घटना को लेकर गुरुवार को वाहन चालक ने मुफस्सिल थाने में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की। बताया गया कि बुधवार की देर रात अपराधियों ने 4 वाहनों से लूटपाट की, वहीं वाहन सवार लोगों के साथ मारपीट भी की। कुवार के कसियाडीह मोड़ में हुए लूटपाट की घटना को लेकर गुरुवार को वाहन चालक ने मुफस्सिल थाने में आवेदन दिया और शिकायत दर्ज करवाई। बताया गया कि बुधवार की देर रात करीब 7 की संख्या में अपराधियों ने 4 वाहनों से लूटपाट की। बताया गया कि अपराधियों ने कसियाडीह मोड़ में एक बड़ा पेड़ गिराकर घटना को अंजाम दिया। घटना को लेकर एक गाड़ी के चालक राजेश कुमार ने मुफस्सिल थाने में आवेदन दिया। बताया गया कि अपराधियों ने चारों गाड़ी में मौजूद लोगों के साथ मारपीट भी की, जिसमें शहर के सुपर ट्रेडर्स के मालिक आशीष कंधवे के चालक राजेश का सर फट गया। जानकारी के अनुसार सुपर ट्रेडर्स के चालक राजेश कुमार इटखोरी से माल अनलोडिंग कर और वहां के डीलर से पैसा लेकर लौट रहे थे। इसी गाड़ी के साथ 3 और गाड़ी बगोदर के कुवार के रास्ते कसियाडीह होते हुए गिरिडीह आ रही थी। इसी दौरान जब चारों गाड़ी कसियाडीह मोड़ के समीप पहुंची, तो रास्ते में एक बड़ा लिप्टस का पेड़ देखकर चारों गाड़ी रुकी। इसके बाद करीब 7 अपराधियों ने सबसे पहले सूरज ट्रेडर्स के चालक राजेश को अपना निशाना बनाया और उसके पास रखे 1,00,000 लूटने के बाद 3 और गाड़ियों से लगभग 1,50,000 की लूट की। अपराधियों के लूट के शिकार हुई 3 और गाड़ियां कहां की थी, ये फिलहाल स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन 3 और गाड़ी में कई लोग सवार थे जिनसे लूट की घटना हुई है। नगीना सिंह रोड के रहने वाले अजीत कुमार स्वर्णकार ने भंडारीडीह रोड स्थित एक्सिस बैंक के कर्मी नलिनी कुमार पर फर्जीवाड़ा कर फरार होने का आरोप लगाया है। मामले को लेकर इन्होंने बैंक मैनेजर से शिकायत की है, लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सीसी अकाउंट खुलवाने के नाम पर भंडारीडीह रोड के एक्सिस बैंक का कर्मी नलिनी कुमार मिश्रा फर्जीवाड़ा कर मोटी रकम लेकर फरार हो गया है। गुरुवार को इस संदर्भ में भुक्तभोगी नगीना सिंह रोड के रहने वाले अजीत कुमार स्वर्णकार ने बताया कि एक्सिस बैंक के कर्मी नलिनी कुमार ने सीसी अकाउंट खुलवाने को लेकर इनसे 30,000 रुपए रकम लेकर एक अकाउंट खोलकर गिरिडीह से फरार हो गए। इन्होंने बताया कि इसकी शिकायत बैंक के ब्रांच मैनेजर से की गई है, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बैंक कर्मी यहां से जाने के बाद बांका के बैंक में कार्य कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन पर ना तो बैंक मैनेजर ने कोई कार्रवाई की है। इधर बैंक मैनेजर पर भी मिलीभगत का भुक्तभोगी ने आरोप लगाया है। बताया गया कि दोनों की मिलीभगत से या धोखाधड़ी या फर्जी मामला हुआ है। वहीं गिरिडीह एक्सिस बैंक के ब्रांच मैनेजर कुमार रवि से इस संदर्भ में पूछा गया तो उन्होंने सीनियर का हवाला देते हुए कुछ बोलने से इनकार कर दिया। फिलहाल अगर इतने बड़े बैंक के कर्मी के द्वारा फर्जीवाड़ा किया जा रहा है तो लोग किस पर विश्वास करें। भुक्तभोगी का कहना है कि इस मामले को लेकर कोर्ट में भी मामला चल रहा है और नगर थाने में भी मामला दर्ज कराया जा चुका है। कहा गया कि बैंक कर्मी पर बैंक मैनेजर अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो कल भुक्तभोगी व अन्य लोग वहां तालाबंदी और गेट का घेराव करेंगे। अजीत कुमार वर्मा नाम हुआ और हम गिरिडीह का निवासी है, नगीना सिंह रोड का। और ये बैंक, ये एक्सिस बैंक मेन ब्रांच, तो यहाँ पे लीलन कुमार मिश्रा के नाम से एक यहाँ पे है लड़का जो बैंक का कर्मचारी है, तो उसको हम दिए थे पैसा 30,000 रुपया। और उसको खाता खोलने के दरमियान में वो बोला था कि 10,00,000 रुपये का सीसी हम कर देंगे, तो फिर ये हमारा सीसी जो है सो नहीं किया और पैसा लेके भाग गया। इसमें से बैंक मैनेजर का जो है सो मिली भगत है,
और अभी यह दूसरा बैंक में काम कर रहा है बांका, और एक्सिस बैंक है बांका में, वहाँ पे वो काम कर रहा है। यहाँ से लेकर भागा और बांका बैंक में काम वो कर रहा है। क्या लगता है आपके साथ ठगी हुआ है? वो हमारे साथ ठगी हुआ है। आप लोग क्या कीजिएगा? तो हम लोग बैंक ये मैनेजर है, इनको बोला तो ये भी मिली भगत है, उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की। एक साल दिन हो गया, 6 महीना 5 महीना पहले भी बोले थे सर को आके हम, लेकिन ये कुछ ना कोई रिस्पॉन्स नहीं लिए हैं। कई लिखित शिकायत किए हैं? लिखित शिकायत भी कोर्ट में किए हैं। थाना में जाएंगे? थाना में अगर हम थाना में जाएंगे और यहाँ पे तालाबंदी करेंगे, बैंक कर्मी को हम अंदर से बाहर जाने नहीं देंगे, और बाहर का आदमी जो है सो कस्टमर को अंदर भी जाने नहीं देंगे। कितने लोगों के साथ ठगी? ये 10 से 15 आदमी को ठगी किया है, 6-7 लाख रुपये कम से कम 10 लाख रुपये के दरमियान में जो है सो ये किया है, ठगी किया है। मेरा नाम लालेश्वर मंडल हुआ, घर सरिया हुआ। हम यहाँ जो सो नलिन जी से संपर्क किए थे सीसी अकाउंट के लिए, तो वह सारा डॉक्यूमेंट हमसे मांगे, पेपर हमने जो मांगा वो सब सारा पेपर देने के बाद वह हमको मांग करने लग गया कि हमको कुछ पैसा दीजिए, हम कर देंगे आपका सीसी अकाउंट। तो बोले कितना करिए, हमको 15-20 लाख का सीसी अकाउंट कर दीजिए। तो 30,000 रुपया भी लिए नगद, और उसके बाद एक पॉलिसी पर दबाव डालने लगे कि MX लाइफ इंश्योरेंस जो है वो पॉलिसी आपको खरीदना होगा। हमने बोला भैया मेरा पहले सीसी अकाउंट करो, हम बाद में आपका ले लेंगे। लेकिन उन्होंने हम पर दबाव बनाया कि नहीं पहले लालेश्वर जी करना होगा ये चीज़, उसके बाद हम आपका ठीक करेंगे। यानी हमको मजबूर होकर के पहले जो सो इंश्योरेंस को लेना पड़ा, और उसके बाद आज तक जो सो हमारा जो सो सीसी अकाउंट नहीं हो पाया और कर पाया। बाद में अकाउंट के नाम पर कौन व्यक्ति था? नलिन जी थे। बैंक का क्या है? अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं बैंक का। फिर क्या हुआ, पैसा लेके कहाँ भाग गए? पैसा लेकर के वो चले गए, कुछ दिन तो स्विच ऑफ कर दिए। फिर उससे जब बात हुई तो बोला कि लालेश्वर जी हम सस्पेंड हो गए हैं, स्विच ऑफ कर देंगे। हमको सारा मामला को जानकारी नहीं था, जब यहाँ गिरिडीह ब्रांच आया तो यहाँ से पता किया। किनको दिए थे पैसा? नलिन जी को दिए थे। किस ब्रांच का था, कहाँ का? यहाँ गिरिडीह ब्रांच का है। कौन सा बैंक? एक्सिस बैंक का। अब क्या कीजिएगा? अब उस पर जो है सो कार्रवाई किया जाएगा। जो थाना यहाँ ब्रांच मैनेजर से मिलने के बाद वो बोला कि देखिए इस पर FIR वगैरह हुआ, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन पूरा होने के बाद जो सो आपका पैसा जो है लोगों को वो दिया जाएगा। नहीं मिलेगा तो क्या कीजिएगा? नहीं मिलेगा तो फिर हम तो यहाँ तालाबंदी करेंगे और क्या करेंगे, ब्रांच में ताला मारेंगे सीधी सीधी। यहाँ के लोगों को लेकर के जो भी लोगों का सब फर्जी किया है, सारे आदमी मिल करके इकट्ठा होकर के तालाबंदी हम लोग करेंगे, घेराव करेंगे। और सर्वोसर्वा हमको तो पता चलता है ब्रांच मैनेजर जो है यहाँ वो सबसे बड़ा जो है चोर है। क्या नाम है उनका? उनका नाम तो हमको अवगत नहीं का, मिली भगत के बगैर ये सब चीज़ें हो नहीं सकती है। हम करें आपका ब्रांच का एक कर्मचारी किसी भी प्रकार से ठगी का काम करता है तो आप जिम्मेवार ब्रांच मैनेजर एज ए ब्रांच का मैंने जो सो मुख्य आदमी होते हैं तो इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए, लेकिन ये नहीं लेकर के उन्हीं का तरफदारी कर रहे हैं। हम करें कि यदि वो कहीं चले गए हैं तो आप FIR हुआ फलाना हुआ तो आप उसको अरेस्ट करवा करके जनता का सबूत कर दिया है ना। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए टावर चौक समेत विभिन्न स्थानों पर मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान बिना मास्क लगाए लोगों से मास्क लगाने और सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुपालन की अपील की गई। कोरोना को देखते हुए गुरुवार को टावर चौक समेत विभिन्न स्थानों पर मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुपालन की अपील की गई। बताया गया कि सरकार का निर्देश आने के बाद पुलिस प्रशासन मुस्तैद हो गया है। इस क्रम में गिरिडीह के सभी चौक चौराहों पर प्रशासन के द्वारा मास्क चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। वहीं जिन्होंने मास्क नहीं लगाया था उन्हें अपील करते हुए मास्क लगाने का अनुरोध किया गया। बताया गया कि अगर कोई भी अब बिना मास्क के घूमते हैं तो उन पर जुर्माना लगाया जाएगा और अन्य कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। गौरथंबा में गुरुवार को एक युवक की मौत दर्दनाक सड़क हादसे में हो गई। हादसा ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल में सीधी टक्कर की वजह से हुआ। घटना में एक अन्य युवक घायल बताया जा रहा है।
खोरीमहुआ कोडरमा मुख्य मार्ग स्थित घोड़थम्बा में गुरुवार की सुबह दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की जान चली गई। बाद में युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। मृतक की पहचान तिलैया के आजाद मोहल्ला स्थित इंदरवा बस्ती निवासी रोहित रवानी के रूप में की गई, जबकि घटना में एक अन्य युवक सूरज कुमार घायल है। मिली जानकारी के अनुसार कार सवार दो युवक तिलैया से गिरिडीह की ओर आ रहे थे। इसी बीच घोड़थम्बा में एक ट्रक से इनके कार की आमने सामने की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। घटना की सूचना पर घोड़थम्बा ओपी प्रभारी ओम प्रकाश दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और दोनों वाहनों को जब्त कर लिया। वहीं शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा। यहां शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद इसे परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। क्या नाम हुआ आपका? ये कौन लगता आपका? क्या नाम था? कहाँ कराने वाले थे? कौन था ना? खास तिलैया। एक्सीडेंट कहाँ पे हुआ? क्या चीज से था और क्या चीज में एक्सीडेंट हुआ? कब हुआ था? यह तिस्त्री थाना क्षेत्र के रहने वाले संजय मुर्मू सड़क दुर्घटना में घायल हो गए। घायल का इलाज फिलहाल सदर अस्पताल में चल रहा है। तिस्त्री थाना क्षेत्र का रहने वाला संजय मुर्मू गुरुवार को सड़क हादसे में घायल हो गया। इसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां इसका इलाज चल रहा है। बताया गया कि संजय मुर्मू मोटरसाइकिल से अपने गाँव से तारापुर गया हुआ था। वापस लौटने के क्रम में अज्ञात वाहन ने इसके मोटरसाइकिल में ठोकर मार दी, जिससे यह गिरकर बुरी तरह से घायल हो गया। बाद में स्थानीय लोगों ने 108 एम्बुलेंस से इसे सदर अस्पताल भेजा, जहां इसका इलाज चल रहा है। संजय मुर्मू। पिताजी का? बाजा मुर्मू। कहां घर है? कौन थाना? नोरंदा थाना। एक्सीडेंट कहां हुआ? कौन चीज से मारा है? क्या चीज से हुआ एक्सीडेंट? मोटरसाइकिल में। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरिया प्रखंड सभागार में बीडीओ मनोज गुप्ता ने फ्रंटलाइन वर्करों के साथ एक बैठक की और टीकाकरण से संबंधित आवश्यक जानकारी ली। इस दौरान संबंधित अधिकारियों को वैक्सीनेशन कार्य में तेजी लाने समेत अन्य कई आवश्यक निर्देश दिए गए। कोरोना के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए सरिया प्रशासन भी सजग हो गई है और वैक्सीनेशन में तेजी लाने को लेकर अभियान के तौर पर काम कर रही है। इसी कड़ी में गुरुवार को सरिया प्रखंड सभागार में बीडीओ मनोज गुप्ता ने फ्रंटलाइन वर्करों के साथ बैठक की और टीकाकरण से संबंधित जानकारी ली। इस दौरान कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस बाबत बीडीओ ने कहा कि वैक्सीनेशन में फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज नहीं लेने वालों का वोटर लिस्ट से मिलान कराया जा रहा है, ताकि जिन्होंने भी किसी कारणवश टीका नहीं लगाया हो उन्हें टीका लगाया जा सके। साथ ही साथ किशोरों को लगाए जा रहे टीका का अभी 4 केंद्र ही संचालित है, जिसे जल्द ही सभी पंचायत तक ले जाया जाएगा। और इन्होंने बढ़ते कोरोना वायरस के मद्देनजर सरिया के तमाम पंचायतों के प्रतिनिधियों, समाज सेवी व अन्य लोगों से कोविड गाइडलाइंस का पालन करने की अपील भी की, ताकि कोरोना को मात दिया जा सके। सेकेंड डोज फर्स्ट डोज दोनों का इम्पोर्टेंस है कि जो लोग छूट गए हैं फर्स्ट डोज वाले, उनको जो चिन्हितीकरण किया जा रहा है उस सेविका सहिका के पंजी से मिलान किया जा रहा है। अब BLO का जो वोटर लिस्ट है उससे जो छूटे हुए लोग हैं उनको चिन्हित करके, उनको मोटिवेट करके उनको दिलाने का जो है ये प्रयास किया जा रहा है। और साथ ही साथ जो अभी नया जो अभी आया है 15 to below 18 ईयर्स का जो वैक्सीनेशन है वो जो सभी सेंटर्स में दिए जा रहे हैं, वहाँ लोग काफ़ी उत्सुक हैं। हम लोग भी लोगों ने जिला से काफ़ी कोवैक्सीन का मांग किया है। अभी हमारे पास 4800 जो है कोवैक्सीन है और हम लोग प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर जो है और हर पंचायत में भी, तो कुछ लिमिटेड सेंटर्स में हो रहे हैं और फिर उसके बाद पंचायत में हम लोग शिफ्ट करेंगे, ताकि जो बच्चे लोग जो हैं उनको जो वैक्सीन मिल सके। और जो है और साथ ही साथ हम ये माइकिंग्स वगैरह भी जो है अभी नगर परिषद में भी चल रहा है यहाँ पर, कि जो गवर्नमेंट के जो गाइडलाइंस आई है, जो लापरवाही के जो संकेत जो आए हुए थे कि इस तरह से जो है मास्क का जो पालन जो है ये करना है, क्योंकि हम लोग पूर्व में जो कोरोना आई थी उसके बाद कोरोना के जाने के बाद लोग जो है शिथिल पड़ गए और फिर इसको नहीं अपनाने लगे। तो अब जो ज़रूरत है कि बहुत ज़्यादा प्रिकॉशनरी मेजर लेना है। हम लोग के जो फ्रंटलाइन वर्कर है, फ्रंटलाइन वर्कर के साथ जरूरी था मीटिंग करना और हम लोगों ने उन लोगों को सबको बता दिया सारे चीज़ को कि आगे आने वाले समय जो है वो कठिन समय है 15 के बाद खास करके,
तो उसको भी डील करना है हम लोग को। हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं अभी अभी हॉस्पिटल से भी जो है हमारे वहाँ पर भगोदर में जो है पीएसए प्लांट वहाँ पर भी फंक्शनल वहाँ पर है, बेड्स हैं, कंसंट्रेटर हैं, सारे वहाँ पर जो है मशीन वगैरह जो है, ताकि कोई भी विपदा वगैरह आए तो हम लोग जो है पूरी तरह से तैयार हैं। ऐसे लोगों को इसमें डरने की आवश्यकता नहीं है और जो है सिर्फ प्रिकॉशनरी मेजर लें और अपने कार्य करते रहें। सरकार का जो गाइडलाइंस है सिंपली मास्क का जो है दूरी का जो है पालन करते रहें। पुरानी पेठरिया के रहने वाले 3 युवक सड़क हादसे में घायल हो गए। तीनों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया गया कि तीनों घटना के वक्त नशे की हालत में थे। टुंडी रोड के पंडरी में सड़क हादसे में 3 लोग घायल हो गए। गुरुवार को तीनों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा था। बताया गया कि सुरेंद्र सोरेन, मोतीलाल और वीडियो टूडू एक ही मोटरसाइकिल से घर जा रहे थे। इसी दौरान मोटरसाइकिल दुर्घटनाग्रस्त हो गई और तीनों घायल हो गए। घायल अवस्था में ऑटो से तीनों को सदर अस्पताल लाया गया, जहां तीनों का इलाज चल रहा है। बताया गया कि पुरनी पेठड़िया के रहने वाले तीनों युवक घटना के वक्त नशे की हालत में थे। सदर प्रखंड के बंदरकुप्पी के सरकारी पशु चिकित्सालय में पैसे लेकर लोगों को सेवाएं दी जा रही है। वहीं चिकित्सक या कंपाउंडर भी मौजूद नहीं रहते हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने कहा कि ठंड में दर्जनों पशु मर चुके हैं, लेकिन अस्पताल में कोई सेवा नहीं दी जा रही है। सदर प्रखंड के बंदरकुप्पी के पास एक पशु चिकित्सालय में गुरुवार को घोर लापरवाही देखी गई। इस सरकारी अस्पताल में पैसे लेकर लोगों को सेवाएं दी जा रही है। बताया गया कि पूरे 10 किलोमीटर के रेंज में मात्र एक बंदरकुप्पी का पशु हॉस्पिटल है, लेकिन यहां के कर्मी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। बताया गया कि जब स्थानीय निवासी देवानंद साहु का पशु बहुत बीमार हुआ और ये पशु के इलाज के लिए यहां पहुंचे तो दवाई के लिए पैसे की मांग की गई। जब देवानंद ने कहा कि जानवरों की दवाई मुफ्त में मिलती है तो आप पैसे की मांग क्यों कर रहे हैं, तो कहा गया कि दवाई अभी नहीं है, डॉक्टर भी यहां मौजूद नहीं है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि इस अस्पताल में कोई डॉक्टर या कंपाउंडर नहीं है। बताया गया कि जो लोग पैसे देते हैं उन्हें यहां से दवाइयां उपलब्ध करवा दी जाती है। वहीं सुनील कुमार साहू का कहना है कि यहां के पशु चिकित्सालय में एक डॉक्टर पदस्थापित है, लेकिन वो कभी दिखाई नहीं देते हैं, सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडा फहराने आते हैं। इस क्षेत्र में ठंड से दर्जनों पशु मर चुके हैं। रोजाना इस क्षेत्र से दर्जनों ग्रामीणों डॉक्टर का इंतजार करके वापस घर लौट जाते हैं, लेकिन इस अस्पताल के कर्मियों को कोई देखने वाला नहीं है। मौके पर देवानंद साहु, सुनील साहु, प्रेम साहु, वार्ड सदस्य प्रभाकर पांडे, राजेंद्र साहु आदि उपस्थित थे। कुमार साहु मेरा नाम है, मैं बंदरकुप्पी रहने वाला हूं और हम यहां पे आए थे दवा लेने के लिए। मेरे पशुपालन विभाग में बंदरकुप्पी और हम यहीं इसी गांव का क्षेत्र का लड़का मैं हूं। तो दवा लेने के लिए हम आए तो यहां का जो अवेलेबल डॉक्टर जो थे तो बोले कि देखिए भैया आपके घर पे तो इलाज हम जरूर करेंगे, लेकिन 100 या 150 लेंगे तभी इलाज करेंगे। हम लोग भैया मेरे पास तो पैसा नहीं, हम गरीब आदमी हैं, पैसा भी फिलहाल मेरे पास है नहीं, या जब निःशुल्क है तो आप कर दिए मेरा बकरी बच जाएगा। बोला भैया हम पैसा लेंगे तभी घर जाएंगे। तो फिर हम बोले कि भैया जब यहाँ पे ऐसा बात है ठीक है कोई दिक्कत, फिर हम मीडिया का सहारा हम लेते हैं। पचम्बा थाना क्षेत्र के जरडीह मौजा में सीओ ने निजी जमीन पर बन रहे झोपड़ी नुमा घर को बिना जाँच पड़ताल किए ध्वस्त कर दिया, ऐसा आरोप वहाँ के स्थानीय लोगों ने लगाया है। घटना का स्थानीय लोगों समेत जनप्रतिनिधियों ने विरोध किया है और कार्रवाई की मांग की है। पचम्बा थाना क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबर 2 के जरीडीह मौजा में ग्रामीणों ने गिरिडीह सीओ द्वारा की गई कार्रवाई पर अपना विरोध जताया। दरअसल यहां बने झोपड़ी नुमा घर को सीओ के आदेश से तोड़ दिया गया है। पचम्बा थाना क्षेत्र के जरीडीह मौजा के प्लॉट संख्या 1534 पर अपना दावा करते हुए मोहम्मद मेहताब ने कहा कि यह जमीन पुरखों से इनकी रही है और यह जमीन इनकी दादी आमना खातून के नाम से है। बताया गया कि इन लोगों ने आसपास के गरीब गुरबों को सर ढकने के लिए थोड़ी थोड़ी जमीन दी ताकि वह झोपड़ी बनाकर अपनी जिंदगी गुजार सके, लेकिन गिरिडीह के सीओ ने इस जमीन पर बन रहे घर को बिना जांच पड़ताल किए तोड़फोड़ करवा कर ध्वस्त करा दिया। इधर वार्ड पार्षद प्रतिनिधि मोहम्मद सिराज ने कहा कि गिरिडीह के सीओ की यह मनमानी रवैया समझ से परे है। उनको गरीबों द्वारा बनाए जा रहे झोपड़ी मकान को ध्वस्त कराने से पहले पूरी तरह से जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए थी कि यह जमीन किसकी है। वहीं पंचायत समिति सदस्य नसीम अंसारी ने इस पूरे घटना की कड़ी निंदा करते हुए वरीय अधिकारियों से जांच की मांग की है। इधर इस मामले में अंचल अधिकारी से उनका पक्ष जानने का प्रयास किया गया, लेकिन उनका मंतव्य फिलहाल नहीं लिया जा सका। जो सीओ साहब बोला यहाँ आया था और सीओ साहब फोर्स के साथ आया था और बोला गया यहाँ थोड़ा जो गरीब आदमी मकान बनाया था वो तोड़ दिया। हमारा कहना है अगर
सीओ साहब के ऐसा ही अगर करना ही था तो उस जगह का जांच कर लेता, पेपर मांग लेता, ये तुरंत किसी का मकान नहीं तोड़ना चाहिए। सीओ साहब से हम लोग का यही थोड़ा कम से कम, यहाँ का हम लोग प्रतिनिधि हैं, कम से कम ये भी पूछना चाहिए यहाँ कौन है क्या नहीं है। वो डायरेक्ट फोर्स ला के तोड़वा दिया, और तोड़ा देने के बाद बहुत ऐसा ऐसा गरीब लिया है बाहर से आए के, जो जिसका मकान जमीन कहीं नहीं, वो यहाँ कुछ सुविधा मिला तो यहाँ 2 डिसमिल 4 डिसमिल करके खरीद के अपना मकान बना रहा था। उसको देखें अभी आप यहाँ हम पहुँचते हैं तो देखते हैं मकान भी तोड़ दिया है। तो हमारा कहना है ये बात कोई भी चीज़ है, हम लोग का जो पार्टी लेवल से हम लोग बात करते हैं, विधायक से भी बात करेंगे, ये दबंगी नहीं करना चाहिए। अगर आपको ठीक है, जमीन के मालिक आप है, मगर कहना है अगर ऐसा बात है तो उस जगह का जमीन का किसका पास 1929 से कोई कटा रहा है रसीद, तो कोई 40 से कटा रहा है, तो वो तो आपको देखना चाहिए कि नहीं, न डायरेक्ट आपको फिर मैंने मैदान में उतर के किसी मकान तोड़ दीजिएगा। हमारा कहना है ये गलत किया है। आप सभी न्यूज वाले लोग को आज जो बहुत दुर्भाग्य की जो घटना हुई आप ग्राम जरीडी में, मौजा जो कहलाता है, खाता नंबर 180 और प्लॉट नंबर 534 में, ये बहुत ही अमान्य घटना किया। जी प्रखंड के जो सीओ हैं, अगर किसी तरह की बात होती, जमीन संबंधित मामला है या कोई तरह का मामला हो, तो सबसे पहले ये जांच की विषय था, जांच किया जाता कि मामला आखिर क्या है। आप एक पढ़े लिखे शिक्षित वरीय पदाधिकारी सीओ कहलाते हैं, और एक आप एक अनपढ़ के तरह जाहिल करता जो काम कर दिए, मजदूरों के घर को जो ध्वस्तीकरण करवा दिए आप, ये अमान्य काम है। मैं जिला के वरीय पदाधिकारी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जांच करने की विषय है, और माननीय विधायक महोदय से भी मैं हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि ये सच्चाई बात यह है कि ये जांच की विषय थी। जांच करते अगर कोई गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। मैं इसी बातों से सबको अवगत कराना चाहता हूं कि गरीब किस्म के लोग यहाँ जमीन लेकर 2-4 डिसमिल लेकर घर बनाने की, जो अपनी सिसियल क्षेत्र से भाग कर आए हुए मजदूर किस्म के लोग, कोयला ढोने बेचने वाले लोग, वैसे लोग यहाँ बस रहे हैं। और आज औरतें जो जिस तरह से विलाप किया, रोया, गिड़गिड़ाया, अरे उस पर भी आप कम से कम क्षमा याचना करते हैं कि कम से कम उस पर भी मायादार दृष्टि होना चाहिए, इस तरह काम नहीं होना चाहिए। मैं ये पुरजोर ही आपसे गुजारिश करूंगा कि जांच की करने की विषय की बात है, ये जमीन की जो मामला है ये जांच करें, और सच्चाई जो मामला उस सच्चाई सामने आनी चाहिए। धन्यवाद। गिरिडीह जमुआ रोड के रानीखावा के पास मोटरसाइकिल सवार देवरी के चतरो निवासी रणधीर कुमार सड़क हादसे में घायल हो गया। फिलहाल घायल का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। गिरिडीह जमुआ रोड के रानीखावा के पास सड़क हादसे में देवरी के चतरो निवासी रंजीत कुमार घायल हो गया। गुरुवार को उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। बताया गया कि रंजीत माइक्रो फाइनेंस कंपनी में काम करता है। यह जमुआ से पैसे की उगाही कर मोटरसाइकिल से लौट रहा था। इसी दौरान रानीखावा के पास किसी अज्ञात वाहन ने इसकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी और फरार हो गया। बाद में आसपास के लोग जुटे और इसे 108 एम्बुलेंस से सदर अस्पताल भेजा। यहां माइक्रो फाइनेंस कंपनी के प्रतिनिधियों की देखरेख में इसका इलाज शुरू हुआ। वहीं उगाही की रकम भी इससे सुरक्षित ले ली। पचम्बा थाना क्षेत्र निवासी जानकी मल्लाह रेलवे ट्रैक पर एक पत्थर से चोटिल हो गया। घटना के बाद आसपास के लोग जुटे और इसे 108 एम्बुलेंस से सदर अस्पताल भेजा। पचम्बा क्षेत्र के जानकी मल्लाह रेलवे ट्रैक पर एक पत्थर से चोटिल हो गया। गुरुवार को इसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि यह रेलवे ट्रैक पर बैठा हुआ था, इसी दौरान ट्रेन आ गई। ट्रेन को देखकर यह रेलवे लाइन से थोड़ा किनारे हुआ। इसी दौरान जब ट्रेन गुजरी तो एक पत्थर झटक कर इसके सर पर लगी, जिसके बाद यह गिर गया और बुरी तरह से चोटिल हो गया। ट्रेन गुजरने के बाद आसपास के लोग जुटे और इसे 108 एम्बुलेंस से सदर अस्पताल भेजा। अंत में ये फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भाजपाइयों ने निकाला मशाल जुलूस, टावर चौक पर पंजाब सरकार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लापरवाही और चूक का लगाया आरोप। कुवाड़ के कसियोडी मोड़ के पास अपराधियों ने 4 वाहनों से की लूटपाट, वाहन चालकों के साथ हुई मारपीट, एक वाहन चालक ने मुफस्सिल थाने में आवेदन देकर दर्ज करवाई शिकायत। सीसी अकाउंट खुलवाने के नाम पर एक्सिस बैंक के कर्मी ने किया फर्जीवाड़ा, भुक्तभोगी ने बैंक मैनेजर पर भी लगाया मिलीभगत का आरोप।
नगीना सिंह रोड के अजित स्वर्णकार ने दर्ज करवाई शिकायत। और टावर चौक समेत विभिन्न चौक चौराहों पर चल रहा है मास्क चेकिंग अभियान, कोरोना को लेकर पुलिस कर रही है कार्रवाई, कहा लगातार चलेगा यह अभियान, गाइडलाइंस का अनुपालन नहीं करने वालों को लगेगा फाइन। तो आज के अंक में बस इतना ही, अगले अंक पर फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ, तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत, नमस्कार।